ख्वाहिशें तो हजारों हैं साहब, ख्वाहिशें तो हजारों हैं साहब, पर सुना है जिंदगी सिर्फ चार दिन की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आइए बगैर किसी भूमिका के आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हमारे पास झारखंड से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। झारखंड के निरसा विधानसभा क्षेत्र के चिरकुंडा थाना के डुमरी जोड़ा इलाके में सड़क के बीचों बीच धसान हो गई। 15 से 20 फुट की गहराई तक धसान होने की वजह से लोगों में काफी खौफ पसरा हुआ है। हमारे रिपोर्टर मलय गोप आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर धसान की घटना हुई है और इस संदर्भ में यहाँ के थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह का क्या कहना है। सूचना आज मिला है कि लगभग 8:30 बजे दिन में भूधसान की घटना हुई है। एक कच्चा सड़क है जो जिसमें सड़क के पास आसपास में बहुत जगह पे दरार आ गया है और सड़क कुछ फीट नीचे धस गया है। ये टोटली भूधसान का मामला लग रहा है और हम लोग इसमें, अगर कुछ लोग अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं तो हम लोग इसमें पूरा OBCCL के मदद से आसपास में देख रहे हैं। ऐसा कोई किसी का हताहत होने का इस तरह का कोई सूचना यहाँ पे नहीं। धन्यवाद। रेलवे मंत्रालय ने यह फैसला किया है कि रेलवे के तमाम स्कूलों को अब बंद कर दिया जाएगा। इसी क्रम में आसनसोल स्थित ईस्टर्न रेलवे बॉयज हाई स्कूल को भी बंद करने का फैसला सुनाया गया है। एक नोटिस चस्पा किया गया है। इसके बाद अभिभावक खासे परेशानी में पड़ गए हैं और अभिभावकों का हुजूम उमड़ा है आज सुबह से ही स्कूल के समक्ष, और सभी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से भी DRM को लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। आज कांग्रेस और ऑल इंडिया MIM की तरफ से भी ज्ञापन सौंपे गए। कांग्रेस की तरफ से प्रसंजीत पुईतंडी और ऑल इंडिया MIM की तरफ से दानिश अजीज ने DRM से बातचीत की और ज्ञापन सौंपा। ৬০,০০০ টাকা।
तैयार होती है। आप देख रहे होंगे आसनसोल में आज सुबह से ही बच्चों का गार्जियंस का आपका स्वागत के सामने में बगल में जो स्कूल है हमारा रेलवे का उसको बंद करने का ये रेलवे से बोला गया है, नोटिस दिया गया है कि आप हम लोग न्यू एडमिशन नहीं लेंगे और इसको बंद करेंगे। इसी के तहत ये जो माहौल चल रहा है इसके लेकर हम लोग डीआरएम साहब से मिलने आए थे। डीआरएम साहब से बात किए, प्रेमचंद शर्मा जी से बात किए, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि स्कूल बंद करना है। नॉर्म्स है, नवंबर महीने में एक नॉर्म्स निकला था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जिसके तहत उनको स्कूल बंद करना है। उनके माध्यम से सरकार से ये सवाल है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से ये सवाल है कि वो ये बच्चों का भविष्य का खेल खेल रही है। अब तक उन्होंने रेलवे को बेचा, कई सारी एजेंसीज को बेची, ECL बेचा, सरकारी संस्थाओं को बेचा, वो तो मतलब बच्चों की पढ़ाई का भी ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। और ये अभी प्रेमचंद शर्मा जी के माध्यम से एक बात और भी पता चली, उन्होंने स्पष्ट करने का आदेश है और मार्च महीने तक एक पोर्टफोलियो बना के देना था जो हमने भेज दिया है और चंद दिनों में हम इसका काम भी पूरा कर देंगे। लेकिन इनके माध्यम से मेरा क्या करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के RSS का स्कूल खोलना चाहती है सब जगह, RSS का सखा संगठन खोलना चाहती है सब जगह, बच्चे जाएंगे कहाँ, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। तो मेरा सवाल रेलवे से है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नामांकन करने मुखिया पदों के प्रत्याशी पहुंच रहे हैं विभिन्न प्रखंड कार्यालयों में। बोकारो जिले से हमारे पास खबर आ रही है कि बोकारो जिले के विभिन्न प्रखंड कार्यालय में पहुंच रहे हैं प्रत्याशी और नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे का आपका लक्ष्य क्या क्या है जो पंचायत के लिए आप देना चाहते हैं योजना? लक्ष्य तो रोजगारी है, लोगों के पेट में अनाज नहीं जा रहा, ना उनके पास उसको कमाने की शक्ति है, ना उसको कमाने के लिए शिक्षा है। हमारा जो अहम मुद्दा वो यही है कि लोगों का पेट किस तरह से चले, लोग किस तरह से शिक्षित हों, लोग किस तरह से तरक्की करें, बस इसी चीज़ को लेकर हम आगे चले। बाकी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो तो जो भी मुखिया आता है वो देता ही है। दोस्तों, जामुड़िया के हिजलगोड़ा इलाके में श्याम मेटेलिक कारखाने की तरफ से पिछले एक महीने से मिट्टी की खुदाई का काम लगातार चल रहा है। JCB की मदद से यहां लगातार मिट्टी की खुदाई की जा रही है। इसी के दौरान पता चला कि नीचे कोयला है, कोयला निकलने की वजह से यहां के ग्रामीणों ने विरोध जताना शुरू कर दिया और मिट्टी की खुदाई का काम बंद करने का अनुरोध प्रशासन से किया। लिहाजा ECL प्रबंधन ने यहां आकर काम को बंद करवा दिया, लेकिन फिर से मिट्टी की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है श्याम मेटेलिक की तरफ से। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां मिट्टी की खुदाई का काम फिर से हो चुका है।
झारखंड के दहीबाड़ी एरिया 12 में जो निरसा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है और दहीबाड़ी एरिया 12 में भूमिगत आग लगी हुई है जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में दहशत पसर गया है, मौत के साए मंडरा रहे हैं और यहां रहने वाले ग्रामीणों में काफी डर व्याप्त हो गया है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहां के लोग बेहद डरे हुए हैं और कभी भी किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, झरिया की स्थिति यहां हो सकती है। हम आपको दिखाएंगे कुछ खास तस्वीरें, हमारे रिपोर्टर मौलय गोप ने यहां के लोगों से बातचीत भी की। प्रबंधन इस ओर कोई ध्यान देता है? कुछ नहीं ध्यान दे रहा, सब कोई चला गया यहाँ से, बस हम लोग दो तीन को बचे हुए हैं। हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना जगह दिया जा रहा, ना कुछ दिया जा रहा, मुआवजा दिया जा रहा। हम लोग भी यहाँ रहना नहीं चाहते। इतना सामने 50 मीटर का आगे बस आग लगा हुआ, कितना दूर है बताइए। बहुत परेशानी होता है, एक तो गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा हम लोग को गैस खाली फेंक रहा है, गर्म गैस। अच्छा, रोड के किनारे रोड पूरा फाड़ दिया है, तो पूरा रोड से धुआं निकल रहा है, कभी भी वो बैठ सकता है, गोप हो सकता है। हम लोग मुआवजा मांग कर रहे हैं, जैसे हम लोग उठाया जा रहा तो कुछ जगह जमीन दिया जाए, कहीं पर क्वार्टर वगैरह दिया जाए, तभी तो हम लोग कहीं पर निवास करेंगे। बताइए, कमाने खाने वाला आदमी है, कहाँ जाएंगे? यहाँ से 40 साल से रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हमारे मम्मी पापा लोग रह रहे हैं। आपका शुभ नाम? पूजा देवी। वजह से बहुत ज्यादा सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सर, आग लगा हुआ है आगे, तो सर आग आर से पार हो नहीं सकते सर, अभी रोड पूरा फट चुका है, हो सके तो नीचे धस भी सकता है, या धस ही जाएगा तो हम ही लोग कहाँ चल जाएंगे। हम लोग को तो कुछ तो मुआवजा देना चाहिए, जो भी है गाड़ी मुआवजा दो या जमीन दो या भी जो भी दो, लेकिन मुआवजा दो। प्रबंधन सर कोई ध्यान नहीं, कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। को यही मांगे कि हम लोग को जमीन देना चाहिए, जमीन देना चाहिए, नहीं तो पैसा देना चाहिए, दोनों में से जो भी कुछ देना चाहिए। उसके बारे में सर रोड डाइवर्ट। दुष्कर्म की घटनाएं कमने का नाम नहीं ले रही हैं। हर रोज कहीं ना कहीं से दुष्कर्म से जुड़ी खबर हमारे पास पहुंच रही है। सामूहिक दुष्कर्म की एक घटना हमारे पास आ रही है मालदा जिले से। मालदा जिले के कालियाचक 3 नंबर ब्लॉक में एक किशोरी के साथ 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म करने की कोशिश की। इस बाबत पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इंग्लिश बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 4 को आज मालदा जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से 4 की जमानत नामंजूर कर दी गई। বলেন কি হয়েছিল মঙ্গলবারের দিন কখন ধরেন কি যে 15টার সময় আমি তারাবি পড়তে গিয়েছিলাম, তারপরে আমার মেয়ে শুয়ে গেছে বিছানে, বিছানে শুয়ে যাওয়ার পরে ওই আমার মেয়েকে নিন্দের অবস্থায়
और अब तुले लिया जाओ ऐसे तुले जाओ और लिया जाओ और पर हमें तारावीर पढ़े चले ऐसा खुजा खुजी कर तो पाईने तरपर दो चार दस मिनिटर मधे पेल मे हमार बेहूसिया बाड़ी एल बेहूस हार पर मे के लिया अपना बाड़ी ते बसल हमार आत्मय स्वजन देखे एलो चार जन ওখানে ছিল আমার মেয়েকে চড়ে নিয়ে গেছে কোথায় সিসার বাগান বাড়ি থেকে কত দূর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে